तो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप एंग्लो ईस्टर्न का घर बैठे बैठे एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। तो इनका जो ये होम बेस्ड एग्ज़ाम चल रहा है वो इसी रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू चल रहा है, जो कि DNS अगस्त 2020 बैच के लिए। तो ये अपना इन्होंने PDF तैयार करके, ये मतलब इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको क्लियरली सुनिएगा, जिसके थ्रू आपको रजिस्टर कर लेंगे होम बेस्ड एग्ज़ाम के लिए। और आगे मैं प्रोसीजर भी बताऊँगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब उनके वेबसाइट से भरें उनको क्यों नहीं मेल आ रहा है, उस पर भी मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है DNS इज ए स्पॉन्सर्ड कोर्स एंड द IMU CET इज मैंडेटरी फॉर DNS कोर्स। तो सबसे पहले बता दें, DNS स्पॉन्सर्ड एक कोर्स है जिसमें स्पॉन्सरशिप जरूरी है, एंग्लो ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप देता है। ये बहुत पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, DNS स्पॉन्सरशिप वाला ही कोर्स है। और IMU CET भी आपको देना पड़ता है, उसमें मस्ट है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है, उसमें रैंकिंग के थ्रू आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी दे रखा है, तो जिसका PCM परसेंटेज 65 से बिलो है, 65 से कम है, थोड़ा भी कम है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और दोज करेंटली इन क्लास 12th आर वेलकम टू अप्लाई, जो क्लास 12th में है मतलब इस साल नहीं, मतलब जिनका अभी रिजल्ट आ गया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट आर अपियरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फ्रॉम द सेम बोर्ड आर आल्सो वेलकम, जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल, मतलब जिनका नंबर कम आया है, जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे वो भी भर सकते हैं ये फॉर्म। तो काफ़ी अच्छा ये मतलब स्टेप है कि जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी भर सकते हैं, जिनका PCM परसेंटेज कम आया है मतलब वो भी भर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। अब रजिस्टर कैसे करना है इसका तरीका जान जाइए। तो ये आपका कुछ मतलब आपका दिया हुआ है सेंटर, आप समझ लीजिए जैसे मुंबई ऑफिस एक सेंटर है, दिल्ली ऑफिस सेंटर है, देहरादून, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोची, देहरादून, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, तो और भी पुणे, जयपुर, विशाखापट्टनम, जैसे ये हर सेंटर का नाम दिया हो, तो आपके जो क्लोजेस्ट पड़ता है, जिसमें आप मतलब देना चाहते हैं, मतलब जो आपका सबसे क्लोज हो उसका देखिए, हर सब पे उसका फ़ोन नंबर लिखा है, सबके नीचे देखिए, जैसे मुंबई ऑफिस का नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, दिल्ली ऑफिस का, फिर आपका देहरादून का नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, भुवनेश्वर का भी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। तो ये मुंबई ऑफिस और दिल्ली ऑफिस इसको छोड़ के जितने उसके नीचे हैं वो सारे आपके टेस्ट सेंटर हैं। तो अगर आप इन सब के क्लोज में पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबके नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आपको अपना नाम, अपना एज, अपना PCM परसेंटेज और टेस्ट सेंटर, मान लीजिए ये भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर पे ही अपना टेस्ट सेंटर लिख के आपको भेज देना है। और ये वेन्यू नहीं लिखना है आपको, सिर्फ लिखना है टेस्ट सेंटर में भुवनेश्वर, और अपना नाम, अपना एज, अपना PCM परसेंटेज लिख के इस नंबर भेज देना है। देहरादून में आपको ये नंबर लगेगा, और आपका नीचे मतलब नेम नंबर आपका चेंज होते रहेगा, किसी किसी में आपका सेम है, क्योंकि वहाँ पे एक ही मतलब वहाँ पे इंसान है, वो बार बार लेता है, तो वो मतलब नंबर सेम हो सकता है, बाकी जो अलग अलग सेंटर है वहाँ पे अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है इनका होम बेस्ड एग्ज़ाम लेने का रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू। और जो मतलब पूछ रहे थे मुझसे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरा वेबसाइट पे जाके तो उनको पेमेंट का लिंक नहीं आया, आगे फर्दर प्रोसीजर जो होता है एडमिट कार्ड का लिंक नहीं आया, तो मैं उनको बता दूं यार, नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से उनके सारे सेंटर्स बंद है, तो इसलिए उन्होंने एडमिट कार्ड वाला पोर्टल ही बंद कर दिया है। तो जो ही आपका ये नेशन वाइड लॉकडाउन आपका खुलता है तो आपको मेल आ जाएगा कि आपका मतलब आगे का प्रोसीजर क्या होना है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप एक बार ये ट्राई करो ये होम बेस्ड, क्योंकि एक बार सीट फुल हो जाएगा तो यार उस एप्लीकेशन फॉर्म का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सीट यहीं से फुल हो जाएगा इनका, तो वो आपको मतलब वहाँ से आप निकाल भी लोगे तो मतलब वो कैसे भी आपको मतलब लेंगे नहीं वो, तो इसलिए बोल रहा हूँ सीट फुल होने से पहले यहीं से मतलब आप भर के घर से बैठे बैठे एग्ज़ाम दे दो और मतलब क्लियर कर लेना, उसके बाद इंटरव्यू भी हो सके तो आपका घर ही से हो जाएगा। और मैं बता दूँ तो इंटरनेट कनेक्शन यार बहुत ही सही रखना, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे आप मिडिल ऑफ द एग्ज़ाम हो, चाहे आप लास्ट में भी, अगर सब एग्ज़ाम करने के बाद भी लास्ट वाले क्वेश्चन पर अगर आप रह गए तो वो आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट हो सकता है उस टाइम भी, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं हुआ तो, और आपका मौका उस टाइम ख़त्म हो गया तो फिर आपको 3 मंथ्स तक मौका नहीं मिलेगा, इसका पॉलिसी एंग्लो ईस्टर्न का। तो मैं यही बोलना चाहूँगा इंटरनेट कनेक्शन अपना सही रखना, मतलब डेटा एकदम बहुत ही सही हो, और मतलब लैपटॉप में ही देना एग्ज़ाम, और कैमरा और माइक्रोफोन खुले होते हैं आपको मॉनिटर करने के लिए, वो मॉनिटर करते हैं वहाँ से। तो मैं बता दूँ ये मतलब बहुत ही सही स्ट्रिक्टली होकर एग्ज़ाम देना, चीटिंग वीटिंग मत करना, क्योंकि वो भी देख लेते हैं कि आप चीटिंग किया आपने तो वो कैंसिल कर देते हैं। बाकी एंग्लो ईस्टर्न का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने रिटेन मतलब जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये सब का वीडियो इससे पहले डाल रखा है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं आई कार्ड बटन पर क्लिक करके, या फिर लास्ट में मैं वीडियो में टैग कर दूँगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट अबाउट मर्चेंट नेवी, और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं ताकि मैं ऐसे वीडियो बार बार लाता हूँ मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, कैसे आप मतलब मर्चेंट नेवी में फेयर तरीके से घुस सकते हैं। तो मैं इस पर बहुत सारे वीडियो ला रखा हूँ और लाऊँगा आगे फ्यूचर में भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना।